कैसे हैं आप? ठीक हैं, फिट फाट हैं? व्यूज़, आज हम बनाने लगे एक नया व्लॉग और आज हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान का दुबई। अच्छा, पाकिस्तान का जो दुबई है वो है पाकिस्तान के एक शहर रहीमे खान में, जो कि पंजाब में सिचुएटेड है। तो आज हम आपको डेजर्ट पे लेके जा रहे हैं और आपको डेजर्ट दिखाएंगे। अबे म्यूजिक बाद में ऐड कर लिया भाई, क्या हो गया? ये है जी दुबई की तरफ, सॉरी डेजर्ट की तरफ जाते हुए एक स्ट्रीट है, इसे बोलते हैं सनी पुल, सनी बोल सकता। तो ये वो वाली स्ट्रीट है, इस पर हम जा रहे हैं। आवाज़ और स्क्रिप्ट के लिए आपको अच्छा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा वैद भाई? जैसे मैंने आपको बताया, वैद भाई ने इशारा किया है, बताया नहीं कि वो क्या कह रहे हैं कि क्या लेना पड़ेगा। और ये मेरे आप लिप्स पे देख रहे निशान, ये उस चीज़ का निशान नहीं है, क्योंकि हमारी किस्मत ऐसी नहीं है। ये वाहिद भाई ने पंच मारा है क्योंकि कोई वजह थी। सामने वगार भाई, क्या लेना, सॉरी क्या कहना चाहेंगे आप? लक्ष्य लाने लगती जाना दे रहे हैं वकार भाई को, इतना नहीं पता कि महंगाई बहुत होगी, हूँ लगती नहीं रही, डेढ़ तो लगती है ही है। देखें व्यूज, इस वक्त जो है रहीमे खान का वेदर बहुत ही खूबसूरत हुआ हुआ है, बादल बहुत रोमांटिक है, लेकिन हमारे पास कोई आला कार नहीं है जिससे हम रोमांस को पाया तंगमील तक पहुँचा सके, इसलिए। अरे कहना क्या चाहते हो भाई? ये हमारे नजम भाई हैं जापानी फल, और इनका इनसे मैं आपका तारुफ करवाऊँ, ये बहुत ही अच्छे जो है, बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है। जो है वो बहुत ही अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया इस्लामाबाद में, होटलिंग का, बहुत ही अच्छा खाना वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, पंजाब का देसी कल्चर वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये वाहिद भाई मुझे जो है वो लेके जा रहे हैं सुनसान इलाके में, लगता है इनका जो है ना वो प्लान चेंज हो गया है, वाहिद भाई शायद भूल गए कि मैंने काम छोड़ दिए। एक फ्रेंड का एरिया है, ये फार्म हाउस बना हुआ है, ये देखें अपना बहुत ही जबरदस्त फार्म हाउस बना हुआ है, ये स्विमिंग पूल भी इन्होंने बनाया हुआ, ये देखें यहाँ पर, सॉरी ये स्विमिंग पूल नहीं है, ये वैसे ही खाला बनाया हुआ है, माजरा। आर यू कॉमेडी मी? और ये देसी कल्चर है। ये वायद भाई चढ़ गए दीवार पे, इनको लितर पड़ेंगे अभी, और आपको वो थोड़ी देर तक डेजर्ट पे लेके जाएंगे। वो बाबा कुर्तुद्दीन की कबर है वो सामने, वो देखें, वो जो अर्तुगुल में नहीं था कुतुबुद्दीन कैबक, उसकी कबर है वो, अर्तुगुल ने इधर ही मार के दफनाया था उसको। आ जाओ यार, चलें आ जाओ। माफ़ करें, ये क्या रखा हुआ है वाहिद भाई ने? वाहिद भाई क्या हो गया आपको बाबा? ये तो बड़ा ज़बरदस्त सेटअप रखा हुआ है आपने बाबा, कोई विच ना आवे, ठा 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 मार देगा। वो हो जर्नी स्टार्ट टुवर्ड्स द डेजर्ट, जा रहे हैं। ये हमारे दोस्त का एक डेरा था जाम शहबाज साहब का, वो भी है नहीं यहाँ पर, तो वापसी पर उनको टच करेंगे। तो अभी डेजर्ट की तरफ हम गामजन हैं। ये है जी पुराने ज़माने की पेटी, ये पेटियाँ जहेज में दिया करती थी पुराने ज़माने की हमारी माएँ बहनें। कैबक की कबर देखो, खुद बुद्ध कैबक। जम भाई कह रहे हैं मेरे बाल उड़ रहे हैं, तो वाहिद भाई कह रहे हैं एल्फी डाल दें। वाहिद भाई एल्फी कहाँ डालोगे आप? वाहिद भाई के बारे में मैं आपको एक बात बताता चलूँ नाजरीन सजाते जाते। He is a great, you know, doctor of cars. मतलब मैं नंबर भी शेयर कर दूंगा कि अगर पाकिस्तान में किसी ने भी गाड़ी परचेज करनी हो, कॉन्फिडेंटली वाहिद भाई से रब्ता कीजिएगा, नंबर मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, आपको हर किस्म की गाड़ी लेकर देंगे और आपको मज़ा आएगा गाड़ी। है अबू धाबी पैलेस का गेट, ये महल है शेख जैद का, जब वो यहाँ पर आते हैं तो इधर वो स्टे करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर जाना अलाउ नहीं है क्योंकि हमारे बूथे इस तरह के नहीं है, ना ही हमारी कोई इतनी वैल्यू है व्यूज, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। जो ये देखें जी, ये है जी पैलेस, अबू धाबी पैलेस शेख जैद, जैतून का तेल बाबा खजूरा। यहाँ से भी एक एंट्रेंस है, यहाँ से महल की तरफ ये एंट्रेंस है, ये देखें, और साथ ही इन्होंने ये जो आपको बाढ़ नज़र आ रही है जी व्यूज, एंट्रेंस ऑफ डेजर्ट प्योर एंड फर्स्ट एंट्रेंस स्ट्रेट, जूर के दरख्त फॉर बीइंग हॉट, और ये जो है दुबई स्ट्रेट कहलाती है यहाँ की। जमल खड़ा, जमल अजमल है, जमल खड़ा। ये देखें लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं,
और हम भी यहाँ पर इंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, और हम जो इंजॉय करने के लिए आए हुए हैं वो माहौल यहाँ पर कम है। कंट्रोल व्यूज़ यहाँ पर सब जो है वो लड़के ही लड़के भी नज़र आ रहे हैं, कोई माल नज़र नहीं आया, तो मुझे लगता है गे बनना पड़ेगा। माहौल यहाँ पर सही है नहीं, व्यूज़ दाने नज़र नहीं आ रहे, दाना दाने पे दाना। ये व्यूज़ इस नजम ने मुझे जुगत मारी जिसपे सब इंजॉय कर रहे हैं, और मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया क्योंकि चेते नाल होई होवे ना उदा फिर तुहानू पता है हालात बहुत माड़े हुंदे। कोई मुसर ते गा एडमिन दिमाग का बात वो एडमिन दिमाग का बात वो नाजरीन एडमिन दिमाग का वो पढ़ाइए हमें बताइए वकार भाई ने बात, क्योंकि वो नवाज शरीफ को मिस कर रहे हैं। 28 मई जिंदाबाद। चागी का मकाम बलोचिस्तान सुई के मकाम पे नवाज शरीफ ने अपनी जेब से बंदूक निकाल के दो बार ठा ठा किया और इंडिया को बताया कि वी आर नॉट अफ्रेड, आप जितनी मर्जी तरक्की कर लो हम ऐसे ही रहेंगे, जो करना कर लो। ये है जी पाकिस्तान का दुबई डेजर्ट, और ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त वायद भाई। वायद भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वायद भाई और ये जी देखें आपको नज़र आ रही है यहाँ पर आवाम इंजॉय करते हुए, यहाँ पर लोग बाइक्स पे भी आते हैं और स्टंट करते हैं और गाड़ियों पे भी आते हैं, और हमारे वायद भाई जो हैं एक दौर में जीप के अंदर आते हैं, जीपों का काफ़ी शौक रहा है। वायद भाई थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएं कि जब आप जीप पर यहाँ पर आते थे और जब ड्रिफ्टिंग करते थे तो मुझे भी अच्छी तरह याद है कि लोग काफ़ी इंजॉय करते थे आपकी ड्रिफ्टिंग को, तो आपको कैसा मतलब फील होता था, थोड़ा सा काइंडली बताएं। बस आवाम की दाद मिलती रहे हमें, यही हमारे लिए काफ़ी होता है। अच्छा वायद भाई एक और चीज़ मुझे बताएं कि अगर डेजर्ट एरिया के अंदर 4x4 में कौन सी जीप या कौन सी ऐसी गाड़ी है जिसको आप समझते हैं कि कॉन्फिडेंटली बंदा ले आए और मजा करेगा, वो घोड़े की तरह दौड़ेगी? इसमें जी एक टोयोटा का ब्रांड है, टोयोटा सर्फ। सही। बड़ी गाड़ियों में तो मैं उसको रिकमेंडेड करूंगा कि वो ऐसी गाड़ी है कि जो आपको कभी धोखा नहीं देगी। सही। धोखा नहीं देगी। सही। धोखा नहीं देगी। सही। धोखा नहीं देगी। सही हो गया। छोटी गाड़ियों में अगर आए तो जिमनी भी अच्छी है, सीरा जीप भी अच्छी है, दो जीप अच्छी है। तो ये है व्यूज़ डेजर्ट यहाँ का रहीम खान का, उम्मीद करता हूँ आपको वीलॉग पसंद आया होगा, और मेरी आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर आपको वीलॉग पसंद आया है तो काइंडली मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इंशाल्लाह इस तरह के मजीद वीलॉग मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, और आपको सूरज भी दिखा दूँ यहाँ पर, सूरज का बड़ा बेहतरीन लुक आता है, नज़र आ रहा है सूरज आपको? सूरज नहीं नज़र आ रहा लेकिन आपको नजम नज़र आ गया, नजम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, बहुत ही नाइस पर्सन है। आज हम अपने वीलॉग का इख्तिताम करते हैं, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, और एक लास्ट व्यू फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड आपको दिखाते हुए जो है क्लोज करूँ चीज़ों को, ये देखें सांवली सलोनी मेरी दी महबूबा। वो दो लोंडे वहाँ पर क्या कर रहे हैं?